वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लैपटॉप में जो माउस टच पैड होता है वही हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो गाइस, आप भी यूज करते हो लैपटॉप लेकिन लैपटॉप में माउस टच पैड होता है वही हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। गाइस, इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारा इस तरह नई वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे तो चले वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो गैस, इस हमारा जो लैपटॉप है तो लैपटॉप में जो टच पैड है वही हमारा वर्क नहीं कर रहा है, उसको जो काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि लैपटॉप में जो टच पैड है वही मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ लेकिन उसमें हमारा काम नहीं कर रहा है। जो माउस का इस तरह जो पॉइंटर होता है, इस हमारा पॉइंटर उसमें काम नहीं कर रहा है। जो लेफ्ट साइड राइट साइड दो बटन होता है वही मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन हमारा लैपटॉप में जो पॉइंटर है वही हमारा वर्क नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरा जगह पे नहीं जा रहा है। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि मैं टच पैड पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसी तरह हमारा माउस का पॉइंटर होता है वही हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो आपके पास इस तरह जो लैपटॉप में कई सारे जो प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आज की वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि कई सारे हमारा जो बटन है वही हमारा वर्क कर रहा है और नहीं पे कर रहा है। तो इसी तरह आपके लैपटॉप में इसी तरह प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा माउस लेना है। तो देख लीजिए कि मैंने एक्स्ट्रा माउस ले लिया है, तो इस माउस आपको लैपटॉप में कनेक्ट कर देना है यूएसबी केबल से। तो इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने माउस को कनेक्ट कर दिया है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा माउस का जो पावर है वही हमारा ऑन हो गया है लेकिन हमारा उसमें टच पैड काम नहीं कर रहा है लैपटॉप में। तो आपको सबसे पहले माउस को कनेक्ट करना है और आपको माउस से आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है लैपटॉप में। तो चलो, मैंने कंट्रोल पैनल ओपन कर दिया है और ओपन करने के बाद कई सारे जो सेटिंग वही है आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको माउस का सेटिंग पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद उसमें लास्ट में ऑप्शन है टच पैड, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो कैसे देख लीजिए कि हमारा टच पैड डिसेबल है, इस वजह से हमारा काम नहीं कर रहा है। तो आपको इसी तरह माउस से इनेबल पे क्लिक कर देना है। तो चलो, मैं टच पैड का ऑप्शन है वही मैं इनेबल पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा जो लैपटॉप का टच पैड है वही हमारा सही से वर्क होने लग जाएगा। तो देख लीजिए, मैंने ऑन कर दिया है और मैं माउस से वही माउस को मैंने इनेबल किया है वही मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो मैंने माउस को हटा दिया है और हटाने के बाद चले मैं लैपटॉप में जो माउस का टच है तो टच पैड है वही मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा पॉइंटर है वही हमारा सही से लैपटॉप में वर्क कर रहा है। तो गाइस, आपके पास इसी तरह लैपटॉप में टच पैड वर्क नहीं कर रहा है, तो इस तरह आपको आसान तरीके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जो भी हमारा लैपटॉप में प्रॉब्लम था वही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और उसमें जो पॉइंटर है वही हमारा सही से वर्क कर रहा है। तो आपको इस तरह कई सारे लैपटॉप में जो टच पैड है वही डिसेबल हो जाता है, तो इसी तरह आपको इनेबल कर सकते हो दूसरा एक्सटर्नल माउस आपको लगा के। तो गाइस, जो सभी प्रोसेस था वही मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।